क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर, जहां बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के मैदान में 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन स्थानीय विधायक ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के जरिए लोगों को स्वतंत्रता संग्राम एवं केंद्र सरकार की गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि देश में विकास का काम तेजी से हो रहा है, जिससे समाज में परिवर्तन हो रहा है। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र में अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में आज सरकारी जमीन पर बनाए गए दर्जनों अवैध आशियानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें खाली कराया गया। बता दें कि पटना हाईकोर्ट के मामले में ये कार्रवाई हुई है और अंचलाधिकारी के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया है, जिसके लिए 2 बार नोटिस देने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। वही जिनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं, उनका आरोप है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ये हम लोग का हाथ इसमें जनहित में काम नहीं किया है। जनहित में काम नहीं हुआ? नहीं। कैसे नहीं हुआ? जैसे 16 कट्ठा 14 धूर जमीन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, अच्छा। इसमें 20-21 आदमी बसे हुआ है। 20-21 आदमी में हम लोग 7 आदमी मुसलमान जाति का है। अच्छा। बाकी एक कुशवाहा जाति का है। अच्छा। तो कुशवाहा का एको गो नहीं टूटा है। अच्छा। खाली खाली मुसलमान का 7 गोला का तोड़ा गया है। किसा किसा घर तोड़ा गया आज बताइए? टूटा है मोहम्मद जैनुद्दीन अंसारी, सतार अंसारी, साबिर अंसारी, जाहिर अंसारी, मुर्तुजा अंसारी, मुस्तफा अंसारी, निसार अंसारी। इन सभी जो घर तोड़ा गया उसमें कोई भूमिहीन भी है? सब भूमिहीन है। सब भूमिहीन है जी। कोई सरकारी लाभ भी लेके घर बनाए थे इसमें? इंदिरा आवास से ही बना हुआ घर है। कौन सा भाई? इंदिरा आवास से है। 12,000 वाला शौचालय जो सरकार का है, वो 12,000 से 2 गो शौचालय बना हुआ है यहाँ पर, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। मामला हाई कोर्ट से है। हम लोग इस घर में 4 भाई रहते हैं। इस घर में पूरे 4 भाई आप लोग रहते हैं? कितना लोग होंगे, कितने लोग होंगे इसमें? लगभग कम से कम 25 से 28 लोग हैं। 25 से 28 लोग रहते हैं इस 4 घर में। जमीन आप लोग के पास नहीं है? आप लोग भूमिहीन हैं जी। सरकार की तरफ से ये भूमि आपको दिया गया इंदिरा आवास घर बनाने के लिए? ये घर जो ये ग्राम ये आप देखिए दिखाया जा रहा है, ग्रामीण विकास विभाग, ये इंदिरा आवास के लिए मिला हुआ है ना? इंदिरा आवास के तहत ये घर बना हुआ है। इस पर क्या आपत्ति है सरकार से आपको? पीछे वाला जिसका जमीन है वो मुकदमा किया है हाईकोर्ट में, वो केस किया है, सब उनमें सब का। क्या लगता है ये जमीन आप लोग को सरकार की तरफ से दी गई थी कि ऐसे ही आप लोग रहना शुरू करते हैं? हम लोग तो रहते हैं इसमें। सरकार की तरफ से नहीं दी गई थी तो फिर इंदिरा आवास का घर यहाँ पे कैसे बना? यहाँ खाली था जब हम लोग बनाए, यहाँ 100 वर्ष से रह रहे हैं, कोई विवाद नहीं था। इधर आकर के ये लोग विवाद। कितने दिनों से रह रहे हैं? 100 वर्ष से। बिहार में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर साल 2014 में बीजेपी नेताओं ने ट्रेन रोको अभियान किया था, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर के तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष ने बीजेपी के गिरिराज सिंह, सुरेश शर्मा सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया था, जिसकी विशेष MPML कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। इस दौरान सभी 23 आरोपित शामिल हुए, जिन्हें न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में तत्काल बरी कर दिया है। 8 साल से हम 23 लोग
इस केस लड़ रहे थे और आधारहीन आरोप लगा था और उस आरोप की सत्यता के बाद हम लोगों सत्यता जांच करने के बाद उसकी सत्यता हम लोगों को बड़ी कर दिया। आज इसलिए लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण कह रहे थे कि पिछले दो दिनों की घटना के कारण। मुजफ्फरपुर में रामनवमी, छठ, चैत नवरात्रि और रमजान को लेकर नगर थाना परिसर में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वही बैठक में एसडीएम पूर्वी, डीएसपी नगर, जिला समिति के सदस्य के साथ रामनवमी शोभा यात्रा निकालने वाले संगठन समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे। इस बैठक में आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाकर पर्व को मनाने को लेकर विभिन्न दिशाओं में दिशा निर्देश जारी किए गए। आज शांति अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक किया गया है और उसमें सरकार का जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग डायरेक्शन दिए हैं कि जल्द से जल्द उसमें आवेदन दे देना है लाइसेंस के लिए, और जो भी लाइसेंस होल्डर होंगे वो कम से कम 10 से 15 व्यक्तियों का अपना सूची भी देंगे जो उनके साथ उस समय मौजूद रहेंगे प्रोसेशन के समय, और डीजे कंप्लीट उसे प्रतिबंधित रहेगा और सारा अरेंजमेंट हम लोग दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनिधि रहेगी और पूरा टाउन में ऑलरेडी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है। देखिए अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक आज माननीय हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में आयोजन किया गया था टाउन थाना पर। उसमें हमारे क्षेत्र के अनुमंडल के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, शांति समिति के सदस्यगण एवं हमारे अखाड़ा निकालने वाले समिति के भी सदस्यगण उपस्थित हुए थे। अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी मुस्लिम लोगों का भी पवित्र रमजान का महीना चल रहा है और हिंदू धर्म का भी चैती छठ, चैती दुर्गा और रामनवमी का त्यौहार एक साथ सब मनाया जा रहा है। नालंदा में डीएसपी ने थाना परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बता दें कि जिले में पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह और साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, साथ ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। इसके अलावा गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से मोबाइल, आधार कार्ड और अन्य कागजात भी पुलिस ने बरामद किए हैं। जल मंदिर के गेट के पास से 22 मार्च 2023 को एक बाइक की चोरी हो गई थी, जिसकी गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने त्वरित अनुसंधान शुरू किया और वहां आसपास के में मौजूद सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन करने से 3 लोग हम लोगों को बाइक ले जाते हुए दिखाई दिए थे, जिसे अग्रतर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उस बाइक को यहाँ से मानपुर थाना क्षेत्र के हरगावा गांव से हम लोगों ने प्राप्त किया था बाइक, और इसके साथ 3 जो सीसीटीवी कैमरे में चिन्हित किए गए थे 3 लड़के, वो हम लोगों ने उन लोगों को गिरफ्तार किया। खबर नालंदा से है जहां चकरसलपुर मोहल्ले में ओबीसी छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है। बीते 3 दिनों से छात्रावास के लिए पाइलिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। वहीं ग्रामीणों ने निर्माण कार्य का एक वीडियो बना लिया और वीडियो में गड्ढे से निकली मिट्टी युक्त बालू का ही ढुलाई में उपयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लोगों ने संबंधित अधिकारियों से भी की, जिसके बाद अधिकारियों ने चल रहे निर्माण कार्य की जाँच कराए जाने का आश्वासन दिया है। जदयू के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी आज नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने भीम चौपाल लगाया और SC ST से जुड़े मामलों को सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि बिहार के बागडोर जब से नीतीश कुमार ने थामी है, तब से अनुसूचित जनजाति के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने बताया कि जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक और आगे तक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। वह इस मौके पर नवादा के पूर्व विधायक, जदयू के जिलाध्यक्ष समेत जदयू के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उस आबादी में राजनीतिक नेतृत्व पैदा करने का काम किया। मान्य नेता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण देने की व्यवस्था की और साथ साथ आदि आबादी जो महिलाओं की थी, जो लंबे समय तक
पितृसत्तात्मक जो हमारी प्रथा थी, सामाजिक प्रथा, जिसमें महिलाओं को राजनीतिक रूप से सबल होने का अधिकार नहीं था, उसमें भी नेतृत्व पैदा किया और 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में देने का काम किया। जो नेता बड़ा होता है और जिसकी सोच लंबी होती है, वो अपनी दूरदर्शिता से योजनाओं का निर्माण करता है। सहरसा के सौर बाजार सीएचसी परिसर से अज्ञात चोर एक बाइक चोरी कर फरार हो गए, जिसका वीडियो भी सीएचसी परिसर में लगे कैमरे में कैद हो गया। वहीं बाइक चालक ने बताया कि मैं अपने परिजन से मिलने सीएचसी आया था और परिजन से मिलकर जब बाहर आया तो देखा मेरी बाइक गायब थी, जिसकी सूचना सीएचसी में कार्यरत कर्मचारी को भी दी गई। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएचसी के बाहर से एक बाइक चोरी हो जाती है, जिसका ये फुटेज भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारी गाड़ी यहाँ लगी हुई थी। कौन सी गाड़ी थी? हीरो का HF डिलक्स है। अच्छा। BR 43F 2041 नंबर है। मेरी सिस्टर सुबह से एडमिट है यहाँ पे। अच्छा। और उसी क्रम में हम लोग अंदर थे, यहाँ से गाड़ी लेके फरार हो गया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर सहरसा से है, जहां शिक्षक संघ ने जिला परिषद प्रांगण में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। वहीं जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विभाग ने 31 मार्च से पहले अगर सभी प्रकार के बकाया का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया तो हम शिक्षक संघ हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी भारी जिम्मेदारी विभाग की ही होगी। मेरे भाई को कोरोना हुआ था और मैं मायके में ही रहती हूँ। मैंने कई बार पदाधिकारी को कहा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि मायके में क्यों रहती हैं, क्या वजह है, आप प्रूफ नहीं दे रही हैं। जबकि मैंने वार्ड कमिश्नर से लिखा करके भी दिया तो भी मेरा अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। 2 साल से ऊपर होने के लिए चला है और मैं अभी तक दौड़ लगाते लगाते परेशान। संबंधित विभाग से क्या मांग करते हैं? मैं संबंधित विभाग से कहती हूँ जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। आंदोलन करते रहे और अंतर वेतन की राशि को लेकर आंदोलन करते रहे तो अंतर वेतन की राशि और NIF के सहित जो भी समस्याएं थी हम लोगों का वेतन भुगतान को लेकर, वो तो संभव हो गया और वो वेतन भुगतान जो है ना विभाग के द्वारा करवा भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि जहाँ अंतर वेतन की राशि सब बहुत ज़्यादा में रहता है तो सबका टारगेट रहता है, यहाँ छोटी छोटी जो समस्या है शिक्षकों का वो बच गए हैं। जैसे हैं कि न प्रशिक्षित शिक्षक का एरियर का भुगतान तो किया लेकिन कम किया। सुपौल के पास स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर में पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज भी लगातार जारी है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब मामले की जाँच पड़ताल में भी जुट गई है। क्या आदमी की मृत्यु हुई है? 2 आदमी की मृत्यु हुई, 1 महिला जख्मी है। 1 महिला, 3 की मृत्यु हुई है, 1 जख्मी है। जख्मी कहाँ इलाजरत है? 2 मृत्यु हुई है, 1 जख्मी है महिला।
बाप बेटा का है और दो मृत्यु हुई है, पिता पुत्र है, पिता पुत्र है, पत्नी भी अभी इलाज कार्यरत है। कहाँ पे है? सुपौल सदर में। क्या नाम हुआ आपका? लालदेव पासवान। खकई में एक्सीडेंट हुआ है, कौन से थाना में आप? किशनपुर थाना। खबर मसौढ़ी के पिपरा थाना क्षेत्र से है, जहां रोड किनारे खेत से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि युवक को पहले गले में रस्सी बांधकर गला घोटा गया और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे यहां फेंक दिया गया। वह इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोक आस्था का महापर्व यानी कि छठ पूजा को लेकर मसौढ़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा और सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम आर ने मसौढ़ी स्थित ऐतिहासिक विष्णु सूर्य मंदिर तालाब घाट का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आज नहाए खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व चैती छठ शुरू हो गया है और लोक आस्था के महापर्व यानी कि चैती छठ के लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। साथ ही बताते चले कि इस मौके पर विष्णु सूर्य मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार और सचिव नवल के अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। छठ को लेकर के अभी हम लोग मणिचक सूर्य मंदिर धाम तालाब का निरीक्षण हम और एस पी साहब करने के लिए आए हैं। साथ में यहाँ पर मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सचिव और सदस्यगण हैं। तो जो भी आवश्यक तैयारी है, आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग का काम, जो पानी का इसमें स्वच्छ पानी देने का काम जो है, साथ में बिजली व्यवस्था, लाइट का और अन्य भी जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो काम करने हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि चैती छठ एक बहुत ही महापर्व होता है, बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसी को लेके ही हम दंडाधिकारी और पुलिसकर्मी जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में जो मुख्य पॉइंट्स हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं सभी पर हम लोगों का प्रतिनियुक्ति कराएंगे। इसमें ये भी देखते रहे, कुछ जो पुलिसकर्मी रहेंगे वो सादे लिबास में भी रहेंगे, क्योंकि कोई भी अगर अनावश्यक रूप से कोई परेशानी के श्रद्धालु होता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखेंगे। इसके अलावा हम लोग इसे पार्किंग में भी, क्योंकि भारी संख्या में वाहन भी आते हैं, पार्किंग की भी हम देख सुनिश्चित करेंगे कि पार्किंग जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से रहे और बाकी श्रद्धालुओं को भी परेशानी ना हो। जब भीड़ बढ़ती है तो चेन स्कैनर या अन्य तबके के जो चक्के हैं सक्रिय हो जाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में भी और तमाम जितने भी हमारे घाट हैं, यथासंभव जहाँ पे भी हम लोग सीसीटीवी की कैमरे की मदद से निगरानी रख रहे हैं। मणिचक तालाब में भी हमने परिसर में ही 8 सीसीटीवी लगाए हुए हैं और उसमें जो रोड है, जो अप्रोच करने के लिए रोड आते हैं, वहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी लगाए गए हैं। तो उनकी मॉनिटरिंग हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे और अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो कभी उसका देखा जाएगा। लोक आस्था का महापर्व यानी छठ पर्व को लेकर मसौढ़ी थाने में मसौढ़ी एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि छठ पर्व पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। वही बैठक में मुख्य रूप से सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम आर, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेश कुमार के साथ अंचलाधिकारी मृत्युंजय कुमार और थाना अध्यक्ष संजय कुमार के अलावा कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के रेवा घाट स्थित NH-722 पर देर रात थाना की गश्ती गाड़ी में एक बड़ी ट्रक ने जबरदस्त ठोकर मार दी है। इस घटना में गश्ती गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे गश्ती दल के प्रभारी SI BN सिंह और हवलदार महेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गाड़ी में फंसे दो युवक को लोगों की मदद से गाड़ी का गेट तोड़कर बाहर निकाला गया और बता दें कि हादसे में एक युवक की मौत की भी खबर है। कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, अपने घर बात करवाओ। तो भाई ने मम्मी को कॉल किया तो मम्मी ने हमको बताई सब कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम फिर सर से बात किए यहाँ पर, तो बोले कि बेटा कि मम्मी बहन तुम तीनों आ जाओ यहाँ पर, मतलब SKMCH आ जाओ। और फिर उसके आधे घंटे बाद पता चला कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए सर, उन्होंने खुद बताया था। गश्ती गाड़ी के दौरान ये अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, वहीं एक कंटेनर ने पीछे से धक्का मार दिया गाड़ी को, जिसमें चोटिल हो गए और मेडिकल कॉलेज रास्ते के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई और ये कर्तव्य के दौरान शहीद हुए हैं,
जिस कंटेनर के द्वारा धक्का मारा गया था उसके चालक और उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी